जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विनय लासे एंड वंस अगेन आई एम बैक विद द प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्यूशन। तो दिस पेपर वाज कंडक्टेड इन 2021 जोधपुर एग्जाम ऑफ आर्मी जीडी। तो लेट्स स्टार्ट आवर पेपर। तो मैं यहाँ पे दो लैंग्वेजेस में क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, एक तो हिंदी भी होगा एंड फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आई विल बी ऑल्सो सॉल्विंग इन इंग्लिश। ओके, मीन्स द क्वेश्चन विल बी ऑफ टू लैंग्वेजेस, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। तो लेट अस बिगिन इट। So question is, if the car has a speed of 90 km per hour, what is the speed in meter per second? So commonly asked question in Army GD examination and technical all the examinations, conversion of the speed. So remember everyone, ki speed conversion from kilometer per hour, if the speed is given in kilometer per hour and you have to convert to meter per second, तो आपको ये याद रखना है, इस गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करना है, किससे? 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी स्पीड किलोमीटर पर आर में है उसे इसमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो यस, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5/18। बट इफ द क्वेश्चन आस्क्ड इज फ्रॉम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर, इधर से इधर जाना है, तो याद रखिए नंबर उल्टा हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 18/5। Now the given speed is 90 km per hour. So let us convert 90 into 5/18. That is nothing but kilometer per hour. Let us simplify. 18 ones are 18. 18 fives are 90. And 5 fives are kitna ho gaya? 25 kilometer. Sorry, ye humne convert kar diya hai meter per second mein. To yahan par ye ho gaya hamara meter per second. ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है किस तरह से ये आंसर हमारा आ चुका है 25 मीटर पर सेकेंड। सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर आपको इस पैटर्न से भी पूछा जा सकता है। देखिए किस प्रकार से, अगर यहाँ पे आपको स्पीड दिया जाएगा, मान लीजिए 45 एक मिनट, हम कन्वर्ट कर इस कलर को ज़रा करेंगे चेंज, 45 मीटर पर सेकेंड करके दिया है एंड इसे कन्वर्ट करना है KMPH में, किलोमीटर पर आर में, व्हाट विल बी द स्पीड। तो जैसे ही मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, 45 को इनटू करना है किससे? 18/5 से। देखिए यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू यूज़ 18/5। तो चलिए 18/5 से करते हैं इसे इनटू, 5 1 5, 5 9 45 एंड 18 9 162, दैट इज़ नथिंग बट किलोमीटर पर आर। सो ये सिंपल थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस एंड 100% मार्क्स यू विल बी गेटिंग इन दिस थिंग। मूविंग अहेड, डिस्काउंट के ऊपर क्वेश्चन है। यू गो टू द शॉप, सक्सेसिव डिस्काउंट्स विल बी गिवन। ये भी डिस्काउंट दिया इसके ऊपर, और 20% दिया और 40% दिया। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसमें, कॉमन 10+20+40 कर देते हैं, ठीक है, 40, 60, 70%। बट दिस इज रॉन्ग, ये है गलत आंसर, क्योंकि दिस इज सक्सेसिव डिस्काउंट। व्हाट इज दिस बेसिकली? दिस इज अ सक्सेसिव डिस्काउंट, सो दैट्स नॉट द टेक्निक। सो रिमेंबर देर आर 2-3 मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई विल बी जस्ट टेलिंग यू ओनली मेथड 1। सो देखिए क्या है सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए, या परसेंटेज, सक्सेसिव परसेंटेज क्वेश्चन इज आस्क्ड। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, a+b + ab/100। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड सॉल्व द क्वेश्चन। I will also tell you method number 2 if you want later. Okay, method 2, method 1. But it's okay, हम देखेंगे एक method काफ़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखिए 10% and 20%. Let us take starting two things. That is 10% discount and 20% discount. Remember, plus sign you have to take for increase and minus sign you have to take for decrease. So whenever it is discount, price is getting reduced. So you have to take minus. That is -10, second is also -10, and here it becomes minus into minus, minus into minus, what's that? It is plus, sorry, it is second kya hai aapka? 20 hai. So minus into minus kya ho gaya? Plus ho gaya. To ye kya ho gaya aapka? 10 into 20, yahan par hum karenge into divide by 100. So come on everyone, simplify it. 0, 0 cancel, 0 se 0 cancel. 10 minus, minus 10 and minus 20 is minus 30. Yes, and 1 2 is 2. So minus 30 plus 2 is minus 28. So successive discount 10% and 20%, ye total discount kitna hua?
28% का डिस्काउंट हुआ। कितना हुआ ये? 28% डिस्काउंट हुआ। बट यू कैन सी एक और यहाँ पर डिस्काउंट है, तो अब फिर से सेम टू सेम हम यहाँ पर फिर से अगेन कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर फिर से हम इसमें कंटिन्यू करेंगे ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 में सेम थिंग। व्हाट इज द टोटल डिस्काउंट वी हैव गॉट? 28%। नाउ 28 वी विल टेक इट हियर एंड सेकेंड डिस्काउंट है 40% का, माइनस 40। और यहाँ पर क्या होगा? ए इज़ माइनस, बी भी नेगेटिव है, बोथ आर नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हुआ? प्लस हुआ। तो 28 इंटू 40 यहाँ पे आएगा, डिवाइड बाय 100 आपको करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, व्हेन यू विल सॉल्व दिस थिंग, 28 एंड 40 इज माइनस 68। यस, यू कैन कैंसिल दिस टू 0 एंड 0, दैट 10 आई विल कैंसिल लेटर। 28 फोर ज़ा 28 का डबल 56, 56 का डबल हो जाएगा 112 डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ साइड में, 112 डिवाइडेड बाय 10, 28 फोर ज़ा 112 डिवाइड बाय 10 मतलब 11.2, तो ये हो गया 11.2। जस्ट इसको कर दो, प्लस और माइनस है तो माइनस करेंगे, 68 में से 11.2 माइनस करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द आंसर, दैट इज नथिंग बट 56.8। यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट एज 56.8, मतलब 56.8 का दिस मच परसेंट डिस्काउंट वी आर गेटिंग टोटली। दिस इज वन मेथड, देर इज अनदर मेथड ऑल्सो, रेशियो मेथड, बट आप इस मेथड से सॉल्व कर लीजिए, इट्स ऑल राइट। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट, एरिया ऑफ द सर्कल सिंपल क्वेश्चन पूछा है। एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल फॉर्मूला सभी को पता है, एरिया ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर। हाउ मच इज द एरिया? 616, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। आर वी हैव टू फाइंड, सो आई विल राइट आर स्क्वायर एज इट इज। कम ऑन एवरीवन, लेट्स कैंसिल दिस एंड दिस। 11 2s are 22, LHS से RHS आप कैंसिल कर सकते हैं, एंड 11 5s are 55, 6 बचा, 11 6s are 66। अगेन 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, 2 8s are 16, डन। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई होगा, 28 into 7 हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे तरीके कर सकते हैं, 7 8s are 56, 7 2s are 14, 14 plus 5 196, ठीक है। हमने क्या किया है ज़रा देखिए, इस 28 को ये 7 नंबर इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ चुका है। व्हेन वी मल्टीप्लाइड दिस 28 into 7, 7 8s are 56, 7 2s are 14 प्लस दिस 196 आर स्क्वायर। विच नंबर इज हैविंग द स्क्वायर 196? कौन से नंबर का वर्ग या फिर स्क्वायर इज बेसिकली 196? सो दैट्स नथिंग बट 14। सो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 196, दैट इज इक्वल टू 14 centimeter। दैट्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1, 14 meter, यूनिट मीटर्स में है तो आप मीटर्स बोल सकते हो। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको सभी को समझ में आ चुका है। एरिया ऑफ अ सर्कल पूछा तो राइट डाउन द फॉर्मूला। अगर सर्कमफेरेंस पूछेंगे, दे कैन आस्क द सर्कमफेरेंस ऑल्सो, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, दैट इज सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। इफ दे आस्क द क्वेश्चन फाइंड द सर्कमफेरेंस, कम ऑन यूज दिस फॉर्मूला, 2 पाई आर, आर वैल्यू यू हैव टू सब्स्टिट्यूट, पाई वैल्यू इज 22/7 एंड यू कैन गेट द आंसर। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20, क्या है? इफ अ नंबर इंक्रीजेस बाय 20% टू 300, ठीक है, व्हाट इज दैट नंबर? हिंदी में देख लो, जरा सा मैं इसे हटा देता हूँ थोड़ा। किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर वो 300 हो जाती है। ओके, सम नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, देन दैट नंबर बिकम्स हाउ मच? 300। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय टेकिंग x और डायरेक्टली टेकिंग 100। देखो हाउ टू डू द क्वेश्चन हियर, आई विल टेल यू बाय 100 कॉन्सेप्ट। व्हाट इज दैट नंबर इज आस्क्ड ना, लेट द नंबर बी 100 करो पहले तो, लेट द नंबर बी 100। आई विल ऑल्सो टेल यू शॉर्टकट मेथड लेटर ऑन, लेट द नंबर बी 100। तो ये 100 नंबर को हमने क्या किया? 20% से इंक्रीज किया, सो द न्यू नंबर कितना हो जाएगा? अगर हम इस नंबर को 20% से इंक्रीज कर देते हैं तो न्यू नंबर हो जाएगा 100 plus 20, न्यू नंबर विल बिकम 120, राइट? करेक्ट है क्या? नहीं, क्योंकि 100 के ऊपर 20%, व्हाट इज 20% ऑफ 100?
20. So new number is 100 plus 20, 120. But what is the new number here? Can you see? New number is 300. But what is the new number here? 120. So we are going to use a unitary method, that is matching the thing something. That is 120, new number 120 represents 300. In actual 120 we have got 120, lekin actual mein kitna hai 300 hai. So what is the number? Number kitna hai? 100 is how much? Isse kehte hai something like unitary method. 120 is this much, to 100 ye kitna hai. तो आप इसे कैसे सॉल्व करना है? आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो. दिस नंबर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 से 300 मल्टीप्लाई करो. 100 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 120. चलो करते हैं इसे सॉल्व. 0 से 0 कैंसिल. हम 6 टू ज़ा 12, 6 फाइव ज़ा 30, 2 वन ज़ा 2, 2 50 ज़ा एंड 5 फाइव ज़ा 25, 250 इज़ द आंसर फॉर द क्वेश्चन हियर, 250. तो दिस इज़ द मेथड ऑफ 100. अनादर मेथड इज समथिंग लाइक रेशियो मेथड, वो भी आप यूज़ कर सकते हो इवन बाय दैट मेथड ऑल्सो. लेकिन रेशियो मेथड अगर आपने क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले किया है तो आपको उतना समझ में आएगा, लेकिन जिसे समझ में आता है वो कर सकता है. देखिए यहाँ पर 20% का मतलब होता है 20 डिवाइड बाय 100, एंड 20 डिवाइड बाय 100 को आप सिंप्लीफाई करोगे, 20 डिवाइड बाय 100 को आप सिंप्लीफाई करोगे 1 बाय 5 मिलेगा. ठीक है, 20 वन ज़ा 20, 25 ज़ा, तो ये आपको मिलेगा 1/5. सो इन दिस क्या करना है, 1/5 में क्या करना है आपको, ये नीचे वाला कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, नीचे वाला नंबर हमारा ओरिजिनल नंबर है, यस, एंड ये हुआ है हमारा इनक्रीज. इनक्रीज क्यों, वाई दिस इज़ इंक्रीजिंग, क्योंकि 20% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है. तो 5 इज़ द नंबर, 1 इज़ इंक्रीजिंग, सो न्यू नंबर बिकम्स 5 में 1 इज़ गेटिंग इंक्रीज, तो न्यू नंबर 5 प्लस 1, न्यू नंबर बिकम्स 6. सो देन अगेन मैच द फॉलोइंग करना है, या फिर यूनिटरी मेथड जो बोलना है बोलिए. 6 रिप्रेजेंट करता है हमारा 300 को, तो हमारा ओरिजिनल नंबर है 5. 5 ये कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो एंड सॉल्व कर सकते हो. मैं इसे डायरेक्टली करता हूँ, देखो 6 वन ज़ा 6, 6 फाइव ज़ा 30, 6 ज़ीरो ज़ा 0 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 50, दैट इज़ नथिंग बट 5 फाइव ज़ा 25 और एक 0. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया. आप x मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. x प्लस 20% ऑफ x इज इक्वल टू एंड सॉलिड, दैट इज़ अनदर टेक्निक. मूविंग अहेड, 70% ऑफ सम ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 49. कम ऑन एवरीवन, 70% ऑफ सम, हाउ मच इट इज़, इट इज़ इक्वल टू 49. थोड़ा फास्ट में करेंगे, आपको सम फाइंड करना है. वॉट विल बी द सम, सो वॉट इज़ दिस सम, क्वेश्चन आस्ट, वॉट इज़ दिस सम, तो सम को सम ही रखेंगे. x रखना है तो x रखो, चॉइस आपका है. मैं इसे एक्सपांड करता हूँ. 70/100 ऑफ का मतलब ये हमारा सम है और ये हमारा 49 है. इनटू है तो LHS से RHS यू कैन कैंसिल. पहले तो मैं 0 0 कट करता हूँ. 7 1 7, 7 7 49, तो यस कितना आ गया सम, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 10 × 7, दैट इज़ नथिंग बट 70. तो सम ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 70. ऑप्शन नंबर बी में ये प्रेजेंट है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस. मूविंग अहेड, 15 मैन डू द वर्क इन 20 डेज. तो दिस इज मैन डे आर क्वेश्चन. सो कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन इन आर्मी GT एग्जामिनेशन, मैन डे आर्स. आर्स नहीं है यहाँ पे, आर्स इज नॉट गिवन, डू नॉट वरी, राइट ओनली दिस मच, m × d = m × d. मैन डे इज इक्वल टू मैन डे. इफ आर्स इज गिवन 4 hours, देन यू हैव टू राइट mdh इज इक्वल टू mdh. यू कैन राइट 1 1 2 2. कम ऑन हियर, हाउ मेनी मैन आर हियर, 15. इन हाउ मेनी डेज दे आर कैन डू द वर्क, 20 डेज. कम ऑन, इस साइड कितने मैन है, 20 मैन है. कितने डेज में ये काम कंप्लीट होगा, हाउ मेनी डेज, सो डेज वी हैव टू फाइंड. यू कैन राइट d या फिर यू कैन राइट x, चॉइस इज योर. 20 ones are 20, x is equal to 15, so 15 days are required, so x is equal to 15, so 15 is the answer for the question. I hope, where is option 15, you got the question. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.
एन इज द फॉर्मूला, ओके एन इज द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स एन प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र क्या है। देखो मैं क्वेश्चन क्लियरली बताता हूँ, सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, क्वेश्चन क्या है आपका, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन हम छोटा करेंगे, चलो एन नेचुरल नंबर, स्टार्टिंग एन नेचुरल नंबर्स व्हाट इज द फॉर्मूला। सो डायरेक्टली आई विल टेल यू, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, दैट्स द फॉर्मूला। तो नेचुरल नंबर्स का क्वेश्चन आएगा इस टाइप से, फॉर्मूला पूछेंगे, तो फॉर्मूला होगा हमारा एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। लेकिन इफ दे आस्क द क्वेश्चन इवन नंबर्स, इफ दे आस्क द क्वेश्चन इवन नंबर्स, फर्स्ट एन इवन नंबर्स, क्या फॉर्मूला फॉर फर्स्ट एन इवन नंबर, दिस इज फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, दिस इवन नंबर, व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज ओनली दिस, एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन, दैट्स द फॉर्मूला हियर। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। योर क्वेश्चन इज ऑड नंबर इज आस्क्ड, तो क्या होगा, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर्स व्हाट विल बी द फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके लिए होगा एन स्क्वायर, फर्स्ट एन, फर्स्ट थ्री ऑड नंबर्स उसका सम कितना आएगा, सम ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, याद रखना है सम, वी आर टॉकिंग अबाउट सम, सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, दिस आर द फॉर्मूला फॉर दिस। हिंदी मीडियम प्राकृतिक संख्याएं, इसे कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्या और इसे विषम संख्या, है ना, विषम संख्या कहते हैं ऑड नंबर्स। ठीक है, चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 35 डिग्री, व्हाट विल बी द थर्ड एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है कि वन ऑफ द एंगल राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री होता है, वन एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री, एक एंगल 35 डिग्री है, चलो ये एंगल हमारा 35 डिग्री है, तो इसका थर्ड एंगल क्या होगा, ये क्या होगा। इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ द एंगल्स, कोई भी ट्राइंगल में सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर सम हमेशा 180 डिग्री होता है। x प्लस 90 प्लस 35 करेंगे हम, x प्लस 90 प्लस 35, ये सम किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के। 90 प्लस 35 125, ये 125 उस साइड जाएगा, मैं ज़रा धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ जाए। 180 माइनस 125 ये हो जाएगा, 180 में से 125 माइनस करेंगे 55 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 55 डिग्री, 55 डिग्री इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस इज आस्क्ड, देन दिस इज द आंसर, राइट। इक्विलैटरल ट्राइंगल इज आस्क्ड, तो ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री। देखो मैं ये भी बताता हूँ आपको, अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल के ऊपर बारे में बात करेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल के ऊपर बात करेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो हियर ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ऑल द साइड्स आर सेम, दिस इज साइड ए, दिस इज साइड ए, दिस इज साइड ए, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलस ट्राइंगल इज आस्क्ड, ISOSCELESE, आइसोसेलस ट्राइंगल, व्हाट इज आइसोसेलस ट्राइंगल, टू साइड्स इसमें इक्वल होते हैं, तो याद क्या रखना है, टू साइड्स इक्वल होते हैं, और टू साइड्स के ऑपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होता है। अगर ये थीटा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो आपको ये भी याद रखना है, आइसोसेलस में टू साइड उसके इक्वल होते हैं, और ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट इसके ऑपोजिट थीटा, तो ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फाइनली आता है हमारा स्केलियन ट्राइंगल, जिसमें ऑल द थ्री साइड्स डिफरेंट होते हैं। स्केलियन ट्राइंगल में ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट, ए बी सी, ऑल थ्री साइड्स डिफरेंट, डिफरेंट या फिर अनइक्वल। ठीक है, इक्विलैटरल में ऑल थ्री साइड इक्वल होगा, ऑल थ्री एंगल्स इक्वल होगा, आइसोसेलस में ये और स्केलियन में ये, यस यू हैव टू रिमेंबर। 114 kg rice you can pack in one bag. You have 1026 kg. How many bags are required?
व्हेनेवर, देखो ये आर्मी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन है इस पैटर्न का। बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड कैसे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो लाइक दिस, 114 kg, हाउ मेनी बैग्स, वन बैग इज रिक्वायर्ड, तो फिर हाउ मेनी बैग विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1026, 1026 केजी को कितना बैग लगेगा। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नंबर इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, 1026 इंटू 1, 1026 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 114, बस इसे करेंगे कैंसिलेशन। कैंसिलेशन कर सकते हैं हम 2 का टेबल यूज़ करेंगे, चलो 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, ठीक है। 19 का टेबल, क्योंकि ये 7 नहीं 3 का टेबल यूज़ कर सकते हैं, 5 + 1 6, 6 + 3 9, 3 के टेबल से कट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा एंड 3 1 ज़ा 3, देन 3 1 ज़ा 3 यहाँ पर, 3 9 ज़ा 27, देन अगेन डायरेक्टली आप 19 का टेबल यूज़ कीजिए सभी जन, 19 टेबल एवरीवन नोस, 19 1 ज़ा 19, 19 9 ज़ा 171, सो 9 बैग इज़ द आंसर फॉर द क्वेश्चन हियर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। मूविंग अहेड, रेशियो ऑफ एनी टू नंबर इज 3/4, 3/4 किसी दो नंबर का ये, तो 3:4 ये एक रेशो है, ये समथिंग ओल्ड रेशो है, ठीक है। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में इसका जो अनुपात था 3 और 4 था, स्टार्टिंग रेशो वॉज 3:4 एंड द न्यू रेशो इज बिकमिंग हाउ मच, द न्यू रेशो इज बिकमिंग 4:5, 4:5। कैन यू सी वन थिंग, ये जो नंबर है ये फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर, 3:4 इज बिकमिंग 4, हाउ मच इज इंक्रीजिंग, द रेशो इज इंक्रीजिंग बाय 1, द रेशो इज इंक्रीजिंग बाय हाउ मच, ये भी रेशो 1 से इंक्रीज हुआ, बोथ द रेशोज आर इंक्रीज बाय 1 एंड 1, दोनों रेशो एक एक से इंक्रीज हो चुके हैं। यहाँ पे ये क्या हुआ है, 5 इज एडेड टू ईच, मतलब हर एक नंबर 5 से ऐड हो रहा है बोल रहा है क्वेश्चन में, लेकिन हर एक नंबर कितने से ऐड हो रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है, यहाँ पे +1 रेशो, रेशो इज इंक्रीजिंग बाय +1, बट हियर इन द क्वेश्चन हाउ मच इज टोल्ड, 5 इज एडेड, यूज द यूनिटरी मेथड एंड सॉल्व द क्वेश्चन, दिस 1 यूनिट एंड 1 यूनिट, दिस रिप्रेजेंट्स 5, क्वेश्चन आस्क्ड इज व्हाट आर द नंबर्स, कैन यू टेल मी एवरीवन, अगर 1 की वैल्यू 5 है तो ये 3 की वैल्यू कितनी होगी, ये जो फर्स्ट नंबर 3 कितना होगा, 1 अगर 5 है तो 2 will be 10, 3 will be 3 5 ज़ा 15, यस, एंड बी ये सेकेंड नंबर कितना है हमारा 4, 1 की वैल्यू 5 है, 1 यूनिट इज 5, सो 4 will be 4 5 ज़ा 20, सो 15 एंड 20, ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट। दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन। दूसरा तरीका कैसे होता है, रेशियो को 3 और 4 ऐसे लिख लीजिए, सेकेंड रेशियो हमारा 4:5 है, ये अनदर टेक्निक है, ठीक है। हर एक नंबर कितने से ऐड हुआ, 5 से ऐड हुआ, तो हम इसे लिखेंगे +5, ये भी हुआ, इस साइड भी हुआ +5। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ज़रा ध्यान से देखिए, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई करो, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा इज़ 15, जस्ट अ मिनट, 3 5 ज़ा इज़ 15, माइनस करना है एंड क्या मल्टीप्लाई करो, 4 × 4 16, एरो मार्क बना दो, रिप्रेजेंट्स, कम ऑन मल्टीप्लाई दीज टू, 4 5 ज़ा 20 माइनस 5 5 ज़ा 25, ठीक है, डोंट वरी अबाउट द साइंस, 15 - 16 = 1, और यहाँ पर डिफरेंस ऑफ 20 25 is 5, 1:5, देन सेम थिंग 3 is 15 एंड 4 is 4 5 ज़ा 20। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज टू मेथड्स हियर। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट, राम वाटर टेलीविजन फॉर 16,000, अच्छा, द वैल्यू ऑफ द टेलीविजन डिक्रीज बाय 5%, हर साल वो 5% से डिक्रीज हो रही है, 3 साल के बाद में उसकी प्राइस क्या होगी, तो ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। देखो सेम ये क्वेश्चन पॉपुलेशन में भी पूछा जाता है कि पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 2 लाख, एवरी ईयर द पॉपुलेशन डिक्रीज बाय 10%, समटाइम्स 20%, 30%, सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला हियर, फाइनल इक्वल टू इनिशियल इनटू, क्या करना है मैं अभी थोड़ी देर में, ये फार्मूला आपको दिखाई देगा बहुत बड़ा, इतना बड़ा फार्मूला कैसे याद रखेंगे, शॉर्टकट मेथड्स भी है इसको करने के,
लेकिन ये पॉपुलेशन और ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे ईजी है। इनिशियल प्राइस क्या है टीवी का? 16,000। तो हमने लिखा इसे 16,000 यहाँ पर, ठीक है। ये एक्स क्या है? ये परसेंटेज है, याद रखो। व्हाट इज दिस एक्स? एक्स इज द परसेंटेज। व्हाट इज दैट परसेंटेज? 5%। प्लस और माइनस मतलब क्या? अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो माइनस आपको लेना है। तो 100 माइनस 5 कितना हुआ? 100 माइनस 5 कितना हुआ? 95/100, ठीक है। तो ये एक साल का होगा, दिस इज फॉर 1 ईयर, राइट। ऐसे कितने साल हैं? टोटल 3 ईयर्स। तो 3 बार आपको सेम टू सेम नंबर मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैंने डैश 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 लिखा। तो सेकेंड ईयर का भी सेम थिंग 95/100, और यहाँ पे भी सेम थिंग 95/100। बस इस वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। सारे नंबर्स को एट अ टाइम मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर, ठीक है। 95 into 95, 90 is 90, 90 25 आ जाएगा, और वापस 95 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 कट कर दो, इसमें से कोई ना कोई एक आंसर आपका ज़रूर आएगा यहाँ पे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, अदरवाइज ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं आपके ऊपर दे रहा हूँ क्वेश्चन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेंथ ऑफ अ रूम इज 7 meters। अच्छा, ये रूम है 7 meter, द विड्थ इज 4 meter। व्हाट इज द कॉस्ट टू प्लास्टर द सरफेस ऑफ द रूम? दिस बेसमेंट को सरफेस समथिंग ये करना है। सरफेस टॉप सरफेस है क्या? क्या है देखो हिंदी में क्वेश्चन, कमरे की सतह को प्लास्टर करने में। अच्छा, एक ही साइड आपको ये प्लास्टर करनी है, जस्ट वन साइड। सो ये देखेंगे ये एरिया क्या होगा। देखो एरिया बेसिकली क्या होगा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 7 into 4, हाउ मच इट इज़? 28 meters। 28 meter ये टोटल एरिया, इसको करना है प्लास्टर, ठीक है। इसको करना है आपको जो प्लास्टर, तो टोटल एरिया हमारे पास 28 है। प्राइस क्या बोल रहा है शॉपकीपर? 1 meter को फॉर 1 meter यू हैव टू पे 21.50 पैसा। सो दिस मेनी मीटर्स हाउ मच प्राइस? सो टोटल प्राइस क्या होगा आपका? तो टोटल प्राइस होगा टोटल आपका एरिया मल्टीप्लाइड बाय 21.50 पैसा। कम ऑन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगेन आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। 28 into 21.50, ये जीरो को एलिमिनेट कर सकते हो, मल्टीप्लाई दिस, यू शैल बी गेटिंग आई थिंक इसमें 602 एज ए आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। यू कैन जस्ट वेरीफाई, 602 ही शायद से इसका आंसर रहे। मूविंग अहेड, लेंथ ऑफ 4 students इज, अच्छा लेंथ ऑफ 4 student हाइट होना चाहिए बेसिकली। तो हाइट ऑफ 4 student इज 140, 136, 142 cm। वॉट इज द एवरेज हाइट? एवरेज हाइट कितना होगा? एवरेज का फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए, एवरेज इज इक्वल टू क्या? सम अपॉन नंबर। सम कितना है? 140 + 136 + 142 + 142 है। गैप भी अलग अलग है ना सारे, 136, 138 भी नहीं है, 140, 140 दो बार है। इट्स ओके, 4 number है हमारे पास, 4 number ऐड कर देंगे डायरेक्टली फास्ट फास्ट। 140, 140, 280 होता है, ये 14, 3 = 42 बेसिकली कितना हुआ? इसको 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 ऐड किया, 14, 3 = 42 422 हो गया, नीचे 136 है। ऐड करेंगे ये सारे नंबर्स को, ऐड कर दो, 6 + 2 = 8, 5, 5, 558 आ रहा है। डिवाइड बाय 4 करेंगे, 4 × 4, 4 × 4, 4 × 3 = 12, कितना बचा? 3 बचा, 4 × 9 = 36। पॉइंट में आ रहा है, यस करेक्ट, पॉइंट में आंसर आएगा 4, 5 = 20, 139.5। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरेज फार्मूला, यू हैव टू रिमेंबर। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट में, 43% ऑफ 583, ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, दिस इज आई एम गिविंग टू यू। आई विल जस्ट राइट समथिंग, 43/100 × 583, ठीक है। सिंपल थिंग, सिंप्लीफाई दिस, फ्रॉम दिस यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 23/100 × 401। सब ओके, मल्टीप्लाई दिस टू, डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई दोस टू, डिवाइड बाय 100 करो, सब्ट्रैक्ट करो, एक आंसर आपका आ जाएगा। 43 से इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 100 करना, सेम थिंग वहाँ पे। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, 1/4 + ये भी इजी क्वेश्चन है, 1/4 + 1 + 1/2 + 1/2 + 2,
दैट्स द क्वेश्चन आस्क्ड टू अस. ठीक है, तो कम ऑन एवरीवन, लेट्स डू इट क्विकली. 4422 एलसीएम क्या करेंगे, सबका 4 करके छोड़ेंगे. मैं एलसीएम कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, वरना बहुत सारे दूसरे मेथड भी है. तो 4 1 4 होता है, 4 1 4 होता है, और यहाँ पे 1 आया तो 1 4 2 2 2 2, यहाँ पे 1 है तो 1 4. कम ऑन, 1 1 1 1 4 2 2 और 8. एड इट फास्ट, 2 2 + 4 6 6 8 8 12 10 10 + 8 18 18 by 4 18 by 4, 2 2 = 4 2 9 = 18 9 by 2 option. This is the answer for the question. Moving ahead, थोड़े से 2-3 question reasoning के हैं. 1 3 6 1 3 6 10 question 21. डिफरेंस निकालेंगे इसमें, डिफरेंस कितना है, 1 और 3 का डिफरेंस 2 है, 3 है, 4 है, मतलब ये प्लस 2 हुआ, यहाँ पे प्लस 3 हुआ, यहाँ पे प्लस 4 हुआ, तो नेक्स्ट नंबर शुड बी 2 3 4 5. 10 + 5 15, दैट्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन. वेरीफाई करना है तो कर लो, प्लस 6 करके 21 आ रहा है, तो 15 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 7 15 31, क्वेश्चन 127. देखो नंबर एकदम से लास्ट में बहुत इंक्रीज हुआ. अगर नंबर बहुत स्पीड से इंक्रीज़ हो रहा है, इफ द नंबर इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, इनटू यू हैव टू यूज मल्टीप्लिकेशन, बट मल्टीप्लिकेशन इज नॉट देयर. बट वी नो 3 2 = 6, हाउ मच एक्स्ट्रा, प्लस 1. 7 2 = 14, हाउ मच एक्स्ट्रा, प्लस 1. 15 2 = 30, सो 15 2 = 30 एंड एक्स्ट्रा 1. सेम थिंग यहाँ पर, 31 2 = 62, प्लस 1 63 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. ऑप्शन सी इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. ठीक है, इसी के साथ ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे होते हैं द एंड. ठीक है, यस, आप बताइए चैट बॉक्स में विच मीडियम व्हाट ऑल्स यू नीड. मेरा प्लान ये है कि 2021 में और 20 में जितने सारे एग्जाम्स हुए थे, ओरिजिनल पेपर्स जो मैंने लिए हैं वहाँ के क्वेश्चन, ये सारे के सारे पेपर्स की मैथ्स का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे, I'm thinking to do all the solution of the previous years. Okay? So with this, keep on watching. Yes, thank you everyone for watching it. See you. Bye-bye. Ta-ta.